कांग्रेस, बीजेपी और एआईएम, दे आर द सेम, दे बोथ आर द सेम। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के एक ही पहलू है, कोई अलग नहीं है। आप देखिए, ईडी के ऑफिसर्स आज कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, जी और बीआरएस की बच्चियों पे, इनकी लड़की को अब आज ईडी ने क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि वो खामोशी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक फायर, बैक सपोर्ट उनको है। आज ईडी पे इतनी बड़ी कार्रवाई थी, मगर वो खामोश हो गई ईडी। आखिर बीआरएस की चीफ की क्यों नहीं उनको बुलाया जा रहा है? आज ममता बनर्जी के भतीजे को बुलाया जाता है, दूसरे लोगों को ईडी ऑफिसर, जहां जहां इलेक्शन हो रहा है, अशोक गहलोत साहब के फैमिली मेंबर्स पे जा रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच जा रहे हैं। जी तो यहाँ ईडी कितनी खामोशी अख्तियार क्यों कर लेती है? सर, आपके लिए तो मेडल है। जी यही 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 एआईएम के ऊपर ना जाने कितनी बयान हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सुना है, बड़ी बड़ी बातें सुनी है, देशभक्ति की बातें सुनी है, मगर इतिहास के पन्नों में जब देखिए तो ये पाकिस्तान परस्त ये लोग थे। आज इनसे इनसी मोहब्बत है, इनके यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंच? मैं पूछना चाहता हूँ। ये बोलते हैं ना, बाई चॉइस, बाई चॉइस इंडिया में रहा। कब बाई चॉइस इंडिया में थे? इनसे पूछना चाहिए। रजाकत गवर्नमेंट जब हिंदुओं के और मुसलमान दोनों को कत्ल कर रही थी हैदराबाद में, और पूरे आंध्रा तेलंगाना जो भी आज का है, उस वक्त ये लोग किसके साथ थे? ये लोग तो पाकिस्तान परस्त लोगों के साथ थे, हैदराबाद निजाम के साथ थे तब तो ये आज ईडी इनके दरवाजे पे, इन पे क्यों नहीं हमला करती है? आज इनके भारतीय जनता पार्टी उन दिनों पे इनको क्यों नहीं गिनाती है जितना ये हम पे गिनाने पे, इनकी पूरी पार्टी, पूरी मीडिया से लगी रहती है।